वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों? आज मैं अपनी ज़मीनों पे आया हूँ, तो सोचा कि आज आपको अपने डेरे का रिव्यू करवाऊँ कि मेरे ज़मीनों पे क्या क्या हमने काश्त की हुई है, जानवर कैसे हैं और हमारे डेरे का माहौल कैसा है। तो हमारे साथ जुड़े हुई है कि आज तफसील से आपसे बात करेंगे। तो ये जी हमारा बेगजरी फार्म है, तो ये हमने रोड के ऊपर ही अपना फार्म का बोर्ड लगाया हुआ है। तो ये मेन रोड पे है हमारी ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे हमारी छोटी सी हमने सब ब्रांच बनाई हुई है अपनी ज़मीन में। इधर से हमारी ज़मीन स्टार्ट हो जाती है, इधर रोड से, इस तरफ से ये किन्नू के बाग हैं ये लगे हुए। ये जी हमारे मेन डेरा है। तो मसला यह है कि अभी इसको भी हमने स्टेब्लिश नहीं किया, ये नलका लगा हुआ है, ये मोटरसाइकिल अपना खड़ा है, ये हमारा पहले पोल्ट्री फार्म था। तो अभी हमने इसको फार्म वगैरह का सोचा था कि जानवरों का फार्म बनाएंगे, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब सोतिया से फारग हो के आऊँगा तो फिर अंदर फार्म वगैरह बनाऊँगा जानवरों का, या बकरियों का, या गाय भैंस का। ये मेरे डेरे की रौनक है, कैटी है, जैसे सोतिया में रखी थी हमने वैसे ही हमारी कैटी है। सारा दिन बतखों के साथ, कुत्तों के साथ खेलती रहती है। ये मक्की वगैरह बीजी हुई है, वो आगे जानवर है। ये अंदर फार्म वगैरह भी बेकार ही पड़ा हुआ है अंदर। ये टोका वगैरह लगाया हुआ है हमने, तो ये मेरी बतके है, ये हल पड़ी हुई है और अंदर ही खरगोश आपने देखा होगा, वो नीचे एक छुप के बैठा हुआ है। बस कोई नहीं, अभी ये बकरियां अंदर बंधी हुई हैं। ये तोते हैं और जो छोटे होते हैं चिड़ियां, ये रखी हुई है। बाकी असल में अभी भाई पीछे अकेला होता है, बस कोई नहीं, अभी हर चीज़ ऐसी है। ट्रैक्टर अंदर खड़ा हुआ है ये ला, तो अभी ये खाद पड़ी हुई है वैसे ही। अभी इसको बारिश होने लग गई थी, अभी बारिशें ख़त्म होती हैं तो फिर तो बाग को खाद भी डालनी है। तो अभी ये ट्रैक्टर निकालते हैं वो बाहर, हमने ज़मीन भी कोई इसको हल चलाना ज़मीन में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी देर बाद अभी ट्रैक्टर निकालते हैं बाहर, तो हल वगैरह चलाते हैं खेतों में। अरे वैड़ी बछड़ी है, इसको वैड़ी बोलते हैं पंजाबी में। अभी इसको मैं पानी पिलाने के लिए लेके आया हूँ। तो यार डेरे का माहौल तो बड़ा अच्छा है यार, किधर हम सोटिया में फंस गए हैं। आराम से जानवरों को चारा डाला, उनकी खिदमत की, इधर ही सो गए दरख्त के नीचे ही। ये बड़ी मज़ेदार लाइफ है यार, अभी जानवरों को पानी पिला रहा हूँ मैं। ट्रैक्टर चल रहा है और पीछे पीछे ये जो परिंदे हैं ना, ये कीड़े मकोड़े उठा रहे हैं पीछे पीछे से। तो बेच रहा जाता है पुराना अंदर, जब जमीन में हल चलाया जाता है तो ये वाइट कलर के बगले आ जाते हैं, ये कुसुनिया वगैरह आ जाती हैं अंदर। ये उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं ये सारे।